Mother's Day to you. Happy Mother's Day to you. मैं हूँ प्रमिला सिंह, आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रमिला कुक बुक पे और मेरे किचन में। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि सुबह का समय है और एक तरफ दूध गर्म हो रहा है और आज हम बनाएंगे छोले भटूरे। तो उसके लिए मैंने ये भटूरे का आटा लगा के रख दिया, यानी कि मैदा, थोड़ी सी सूजी, नमक और थोड़ा सा दही वगैरह मिला के इसको गूंद दिया है। अब इसको ढक के रख देंगे, थोड़ा सा खमीर हो जाएगा इसके अंदर और फिर बनाएंगे इसके भटूरे। छोले यहाँ पे बॉईल करके रख दिए हैं, प्याज को भी कद्दूकस कर दिया है, इसकी ग्रेवी अच्छी बन जाती है। अदरक लहसुन वगैरह सब डाल के अभी छोले बनाऊंगी मैं, तो छोले और भटूरे बना लेंगे। और जैसा कि अभी मैंने बताया कि आज संडे भी है, मतलब अब बता रही हूँ संडे भी है, तो संडे के दिन है, आज दादी की भी छुट्टी है, तो वो भी सुबह से कुछ कुछ काम अपना कर रही है और थोड़ा किचन में कुछ बाहर। तो अब हम देखते हैं कि अभी राधिका किचन से गायब हो गई, तो वो कहाँ गई है, देख लेते हैं क्या कर रही है राधिका। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि राधिका क्या कर रही है, नीचे सब बैठी है पालकी मार के। और ये देखिए राधिका अपने पीयर जाने की तैयारी कर रही है, इसकी छुट्टियाँ हो गई है अब होने वाली है, मतलब एक दिन बचा है अब स्कूल जाने का, तो ये जा रही है अपने पीयर। तो देखिए अटे जी पीयर जाने की कितनी खुशी है, चेहरे से झलक रही है। तो सभी को अपने मम्मी पापा भाई भाभी सबसे प्यार होता है, तो एक बहुत दिनों बाद लगता है कि भाई उनसे मिले, तो सबको खुशी होती है। तो अटैची पैक कर ली, इसे ये कर रही है ये बैग और अटैची वगैरह पैक कर रही है, पैकिंग कर रही है। ये तो हमारा खुद का है ना, बनाया हुआ गाना है। तो आज है मदर्स डे और मदर्स डे पे सभी माओं को, जो कि है ना अपनी बेटियों बच्चों के लिए सबके लिए इतना काम करती है, इतने अच्छे से रखती है उनको, तो सभी मदर्स को मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे। जो भी मेरे से उम्र में बड़े हैं उनको खमा गणी और पाँव धोक और हैप्पी मदर्स डे सबको। और जो अपने बच्चों के लिए इतना करती रहती है, छुट्टियां हैं तो कुछ बनाओ, ये करो वो करो, तो ये मदर्स के सब जो पीछे से संस्कार होते हैं जो बच्चों को मिलते हैं उन्हें आगे बढ़ाने में और सहायक होते हैं, उनके लिए सुबह उठ के खाना बनाना ये करना सारी चीजें मदर्स करती है। फादर्स का भी सहयोग होता है लेकिन मदर्स का कहते हैं कि बहुत ज्यादा होता है, तो इसीलिए सबको मैंने आप सभी को हैप्पी मदर्स डे बोला है। और आज है मदर्स डे तो केक तो कट कर लिया, लेकिन अब बच्चे तो केक लेके आ गए थे, तो मैंने कहा अरे भाई अपनी संस्कृति में केक नहीं काटते, तो बच्चों ने कहा नहीं नहीं हम तो केक काटेंगे, तो चलो भाई बच्चों की खुशी के लिए केक तो काट लिया, सबने खा लिया, दादी सर ने भी काट लिया, मैंने और दादी सर ने, वो भी है मदर्स है, तो हमने मैंने और दादी सर ने मिलके काटा केक और सभी को खिलाया और आशीर्वाद दिया। और अब बन रहे हैं छोले, बना के रख दिए थे आटा के छोले का भटूरे का, तो अब राधिका भटूरे तल देगी, तो मदर्स है तो थोड़ी तो छूट मिलेगी, तो भटूरे आज तो बहू घर पे है तो वो तल के खिला देगी भटूरे। तो छोले भटूरे सभी खाएंगे अभी लंच में, तो आप लोग भी इसी तरह से अपने घर पे एंजॉय कीजिए और अपने बच्चों को दीजिए ढेरों प्यार और बच्चों को दीजिए आशीर्वाद।
पे केक कटिंग के बाद आप देख सकते हैं कि मैंगो आइसक्रीम मैं हमेशा से घर पे ही बना के रखती हूँ, तो मेरी मम्मी को भी मेरे हाथ के आम की आइसक्रीम पसंद है, मेरी सिस्टर को, और तो मैं थोड़ी उनके लिए भेज रही हूँ। तो उन्होंने कहा मुझे तो और कुछ भी नहीं खाना है, तेरे हाथ की आम की आइसक्रीम दे देना। तो लीजिए लंच कर लिया है सबने, और लंच में खा लिए थे छोले भटूरे, और हमने केक तो आपको दिखाई दिया, मैंने और दादी सा ने केक काट लिया था, और सबने थोड़ा थोड़ा केक भी खा लिया है। अब बारी आती है कि दोपहर का समय, और दोपहर को ऐसा लगता है कि भाई कोई छुट्टी का भी दिन है, तो लस्सी जैसे दही अच्छा होता है गर्मियों में, आम का भी सीजन चल रहा है, आम भी अच्छे आ रहे हैं, तो कई बार आइसक्रीम बना ली या आम का अमरस बना लिया या बहुत सारी चीजें बना लेते, लेकिन आज मैं बनाने जा रही हूँ कुछ मदर्स डे है तो ऐसा कुछ बनाया जाए। तो मैंने कहा कि शाही मैंगो लस्सी बना लेते हैं आज, तो शाही है इसका नाम, तो चीजें भी इसमें शाही डलेगी। वैसे तो जनरली क्या होता है कि दही के अंदर आम डाल के थोड़ी शुगर डाल के और बना लिया, लेकिन ये है शाही मैंगो लस्सी, तो कुछ ऐसी चीजें भी डलेगी जो शाही तरीके से। तो ब्लॉग में अभी हम झटपट से बना लेंगे शाही हमारी मैंगो लस्सी है जो, लेकिन जो इसका वीडियो भी मैं बनाऊंगी, और फिर उसको आप बाद में दो तीन दिन बाद में जब भी हम वीडियो डालेंगे तो इसकी रेसिपी आप देख सकते हैं, और आप भी अपने घर पे आनंद ले सकते हैं शाही मैंगो लस्सी का। लीजिए फ्रेंड्स, शाही मैंगो लस्सी बन के बिल्कुल रेडी हो गई है, और मैंने गिलासों में डाल दिए, तो ठंडी ठंडी लस्सी फटाफट से पी लेते हैं। आप भी इसे घर पे ट्राई कर सकते हैं, इसकी रेसिपी मैं डाल दूंगी मेरे चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे, तो आप भी इसे आसानी से बना के और घर पे इसका आनंद उठा सकते हैं। गर्मियों में अभी आम भी आ रहे हैं और दही भी घर पे उपलब्ध रहता है, तो दोनों ही चीजें बहुत फायदेमंद है, तो आप इसे घर पे जरूर बनाएं। तो शाम हो गई है और अब मेरी मम्मी के यहाँ जाके आती हूँ, आज मदर्स डे है, थोड़ा मिल के आ जाऊंगी, वैसे मैं कम मिल जाती हूँ तो कभी कभी मिल के आती हूँ, आज मदर्स डे है तो मेरी मम्मी से भी मिल के आऊंगी। तो अर्जुन तो वैसे ही ऑब्वियसली मुझे लेके ही जा रहा है, दादी के पीछे बैठी है, चलो हम भी जा रहे हैं। मम्मी के यहाँ जाके आ गए और अब वापस आए हैं, वेस्ट साइड में यहाँ पे वापस से खुल गया है, पहले बंद हो गया था ये, वापस से खुल गया है, तो देखते हैं अंदर क्या क्या है। मैं तो पहली बार आई हूँ यहाँ पर, मैं खुद भी पहली बार आया हूँ, सारे के सारे पहली बार ही आए हैं। मम्मी कुछ कहना चाहोगे? बस वापस जा रहे हैं। हाँ। देख लिया। हाँ। दीदी ने ले लिया अपने कुछ। हाँ। मैंने तो काम की कोई चीज है नहीं। कैरी बैग के देखो यहाँ पे भी 7 से 8 रुपए लेते हैं, बताओ। हमारे सब्जी वाले बेचारा धनिया मिर्ची डालने का दो थैली दे देता है, और मिर्ची भी देता है और थैली भी देता है। भाई अगर आप प्रोडक्ट रखते हो तो कुछ ले जाने के लिए तो देना चाहिए ना आपको हिसाब से। तो ये राधिका आगे आगे चल रही है हमारी। क्या कहाँ आ गए हो आज? तो नई जगह है लगता है भाई। आज आ गए हैं फोमो में, तो बच्चों ने कहा वहाँ खाना है, तो फोमो रेस्टोरेंट है, हमने कभी देखा नहीं था, तो यहाँ पे आ गए। चलो फोमो है ना, फेमस का शॉर्ट फॉर्म हो गया। फोमो फेमस का शॉर्ट फॉर्म फोमो। देखिए अर्जुन जी कितने कंफर्ट हो गए हैं इस पे बैठ के। राधिका मेन्यू देख रही है फोमो का, हर जगह एफ ही एफ लिखा हुआ है। मॉकटेल कुछ लेनी है आप लोगों? हाँ राधिका, क्या है गोलगप्पे का? क्या है? डेथ ओवर चॉकलेट है, उसमें लिखा हुआ है व्हाइट चॉकलेट टू गोलगप्पा विद नट एंड मैंगो जेली। सुन रहे हो मैं? विद रबड़ी शॉट्स। ये तो गोलगप्पे की हत्या है। गोलगप्पा अगर अपने राइट्स के लिए लड़ने आ जाएगा ना सुप्रीम कोर्ट में, सीधा केस में ठोक देगा इनको। ये आ गया है मम्मी का फ्रूट पंच, तो टेस्ट करके बताएंगे इसको कि कैसा है। एक फ्रूट भी है जो पंच करा हुआ है। ये एप्पल है शायद। मैं फ्रूट पंच कैसा है, पंच लगता है क्या इसको पीने के बाद में? तो भाई खाना वाना आ गया है। मम्मी क्या क्या मंगाया है?
ओनियन सैलेड है, पापड़ है, ये क्या है, तंदूरी रोटी है, बटर नान है, ये कौन सी हुई सब्जी, कौन सी थी, पनीर टिक्का मसाला है, और ये क्या है, दाल मखनी। ये गोले ज्यादा आ गए हैं। इसको थोड़ी भीड़ कम करनी पड़ेगी। सी डाइव भाई, पता नहीं क्या डीप सी डाइव इसका नाम है, लेकिन मैं तो भूल गया हूँ। जो भी है, ये ब्लू वाली ड्रिंक है, मैं तो ब्लू लगून मान रहा हूँ। इसका पाइप देखो भाई साहब, डाइव लगा रहा है पाइप। मम्मी आप टेस्ट करके बताओ। तो भाई आप, क्योंकि खाना टेस्ट हो चुका है, मम्मी सब्जियाँ कैसी हैं? ठीक है, मेरे को भी ठीक लगी, देखो खा ही रहा हूँ मैं। इसको पी के देख लेता हूँ कैसा है, बाद में बता दूंगा। तो भाई अब आ गया है राधिका के लिए किट कैट शेक। हाँ भाई मम्मी, हो गया हमारा जीमण। बाहर आते कितने गर्मी से लगती है ना। अब जा रहे हैं घर की तरफ। तो आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खमा गणी, गुड नाइट।